वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं थोड़े तो शेयर करांगी इनसाइड द्वारा न्यू लॉन्च कंसीलर पैलेट। सो ये जो सारे शेड हैं वो मैं थोड़ा तो अपने फेस से अप्लाई करके भी दिखावांगी एंड किस तरह अप्लाई करने हैं, आप कि शेड आप कदों अप्लाई करना है एंड फुल फेस मेकअप के आप इस कंसीलर पैलेट में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वह भी मैं थोड़े तो शेयर करांगी एंड कि स्किन टोन वाले ने यह पैलेट का कि शेड लेना है वह भी मैं थोड़े तो शेयर करांगी, जिस तरह तुम्हें हेल्प मिल जाएगी कि तुम्हें यह कंसीलर पैलेट लेनी चाहिए कि नहीं एंड किस तरह वर्क करेगी। सो सब कुछ आप इस बारे शेयर करांगे, पर वीडियो स्टार्ट करने तो पहले अगर तुम मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, ना जो बैल आइकन का बटन है इसमें प्रेस कर दियो क्योंकि इस मेरे आने वाली होर वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस पैलेट का मैं रिव्यू कर लगी हाँ वह है इनसाइड द्वारा न्यू लॉन्च कंसीलर पैलेट। सो इस तरह की मैक की भी एक कंसीलर पैलेट है पर वो काफ़ी महंगी है पर यह काफ़ी अफोर्डेबल है। सब तो पहले आप इसकी पैकेजिंग की गल कर लेंगे हाँ कि अपने इस तरह के बॉक्स में रिसीव होगी एंड इस उपर लिखा है इनसाइट एंड इस बैग से इस बारे दसया गया है कि इस क्वालिटी हैं, इस बारे लिखा गया है कि लोंग वेयर है, लंबे समय तक अपने फेस से टिकी रहेगी पैलेट जो आप अप्लाई करांगे। ईजीली ब्लेंड क्रीमी फॉर्मूला है इसका, सो इसका टैक्सचर क्रीमी है, सो जो इस सारे शेड हैं क्रीमी हैं एंड बहुत ईजी ब्लेंड होंगे एंड वाटरप्रूफ भी है। कवर्स की जो भी अपने फेस से अपने डार्क पार्ट है जो कोई प्रॉब्लम है उसनों इस सारे शेड हैं कवर कर लेंगे एंड जो स्किन टोन है उसनों ईवन कर देंगे। पैराबिन फ्री है ये जो कंसीलर पैलेट है, पैराबिन फ्री है। सो काफ़ी वधिया क्वालिटियां इस जो फेस से अप्लाई करा तो अपन पता लग जाएगा कि क्वालिटी सही है कि नहीं। सो उस आप ब्लेंडिंग वगैरह देखा। सो मैं फस्ट टाइम में थोड़े सामने अप्लाई करांगी ये पैलेट। सो जो ये वेखो ये कंसीलर पैलेट है मीडियम है, सो ये 3 शेड में आप मिलेगी। सो एक फेयर स्किन वाले लिए, दूसरा मीडियम है, तीसरा जो डार्क डीप होंगे हाँ डीप शेड, सो ये मीडियम शेड है। सो मेरी स्किन टोन मीडियम है, अगर थोड़ी स्किन टोन भी मीडियम है तो थोड़ू भी ये मीडियम शेड ही लेना चाहिए है। सो मैं पर इस अपने फेस से अप्लाई करके हजे देखना है कि मेरे फेस से ये जो सारे शेड हैं किस तरह वर्क करेंगे। सो जिस से थोड़ू भी हेल्प मिल जाएगी कि थोड़े लिए शेड मीडियम पैलेट ठीक रहेगी कि नहीं एंड इस बारे बस यही दसा गया है कि एक सीक्रेट फॉर्मूला है अपने फेस से जो भी प्रॉब्लम है उन्होंने ये हाइड कर देगा एंड क्रीमी है इसका टैक्सचर। सो इस जो भी इनग्रीडियंट हैं वो भी मैनशन किए गए हैं एंड सो क्रीमी होने करके लिखा गया है कि सावधानी कि इसनों आपां कूल प्लेस से रखना है और कितने भी हीट वाले प्लेस से आप इस पैलेट में नहीं रखना। सो ये क्रीमी है, सो इसनों आपां जिवें गर्मियां समर के इसनों आपां कोई ठंडी जगह पर रखा एंड जो इसका प्राइस इस लिखा है 285 रुपी, पर आपां मैं नायका तो मंगाया एंड मैं 255 रुपी में मिलया है। सो डिस्काउंट के आपां 285 तो घट ही मिलेगा एंड 3 ईयर तक इसकी आपां एक्सपायरी डेट मिलती है। सो 3 ईयर तक आप इस पैलेट में भर सकते हाँ दैन इस ओपन करते इस तरह की एक बार कंसीलर पैलेट आपां मिलेगी। सो इसका जो फ्रंट है वो आप देख सकते हाँ थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, जो भी इस सारे शेड हैं आप देख सकते हाँ एंड इस उपर लिखा है इनसाइड HD कंसील करक्ट एंड कंटोर। सो ये कंसील भी पैलेट है, करक्टर भी है इस एंड कंटोरिंग शेड भी है। सो सारे जो शेड हैं आप देख सकते हाँ। सो इस बैग दसा गया है कि जो सारे शेड हैं कि स्किन टोन वाले हैं, सो इस तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट शेड बारे लिखा गया है कि जो पहला शेड है फोर मीडियम स्किन विद जैलो अंडरटोन, जो ये फर्स्ट शेड है मीडियम जिन्हें स्किन है एंड जैलो अंडरटोन वाले हैं उन्होंने है एंड जो सैकेंड है फोर मीडियम स्किन विद न्यूट्रल जैलो अंडरटोन, जो ये सैकेंड है जिन्हें मीडियम स्किन है पर वो जैलो अंडरटोन के भी हैं एंड न्यूट्रल दोनों मिक्स हैं उन्होंने है एंड जो थर्ड शेड है फॉर मीडियम स्किन टोन विद जैलो अंडरटोन एंड जो थर्ड शेड है वो जो जैलो अंडरटोन के हैं एंड मीडियम स्किन वाले हैं उन्होंने है एंड जो फोर्थ शेड है वो है मीडियम स्किन विद न्यूट्रल अंडरटोन, जिन्हें स्किन टोन न्यूट्रल है मीडियम स्किन टोन है उन्होंने है एंड जो इस तो फिफ्थ शेड है वो कंटोरिंग शेड है एंड सिक्स है वो ऑरेंज करैक्टर है। सो ये इन्होंने सारा बैग पर मैनशन किया गया है। सो इस तो भी काफ़ी वधिया हेल्प मिलती है एंड इसको अप्लाई करने का तरीका भी दसया गया है, अप्लाई ऑन दी डिजायर्ड प्लेस विद दी हेल्प ऑफ ए कंसीलर ब्रश, भी आप इसमें ब्रश ना भी अप्लाई कर सकते हैं, जब ब्यूटी ब्लेंडर ना भी अप्लाई कर सकते हैं, जब फिंगर प्रिंट के नाल भी। सो 3 वे ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश नाल, ब्यूटी ब्लेंडर नाल एंड फिंगर प्रिंट के नाल। सो
जिथे भी आप इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने तो बाद इसको आप ब्लेंड करना है। गिव फ्यू मिनट्स फॉर द प्रोडक्ट टू ड्राई। सो जो आप एक शेड अप्लाई कर लेंगे आप थोड़ा टाइम देना है उस प्रोडक्ट को ड्राई होने तो बाद, दैन आप दूसरा शेड अप्लाई करा। सो अप्लाई करने तो बाद दैन इस पाउडर न सैट भी करना है, ये भी इस पर लिखा गया है। सो फिर द्वारा लिखा गया कि इसको आप ठंडे प्लेस कूल प्लेस से रखना है, किसी हीट वाले प्लेस से नहीं रखना क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी है। सो मीडियम स्किन, सो मीडियम पैलेट है ये। सो जो डीप होगा वो ज़्यादा डार्क स्किन वाले लिए, जो फेयर का है वो जो फेयर है जिन्हें स्किन टोन वाली है, जो मीडियम है जिन्हें स्किन टोन मीडियम है, जिस तरह मेरी स्किन टोन मीडियम है तो उन्होंने ये मीडियम स्किन वालों के लिए ये वाला कंसीलर पैलेट है मीडियम। एंड दैन इस जो अंदरले शेड हैं वो देखते हाँ। सो जिस तरह ये तो अपन पता लगता ही है कि जो ऑरेंज करैक्टर है, ऑरेंज करैक्टर जिथे अपने फेस से कोई भी प्रॉब्लम होती है मेकअप आप देखते हाँ कि डार्क सर्कल है, फेस का पार्ट डार्क है, जो पिंपल है उससे आप ऑरेंज करैक्टर अप्लाई करा। एंड दैन कंटोरिंग अपने फेस में कंटोर करने के लिए ये वाला शेड। सो जो बाकी शेड है इन्हों फाउंडेशन वजो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड हाईलाइटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अपने फेस में कंसील करने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑरेंज करैक्टर नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप कंसीलर अप्लाई कर लवेंगे। सो जो भी शेड अपनी स्किन तो डार्क होगा उसनों ये आप कंसीलर लिए अप्लाई कर लवेंगे अपने डार्क सर्कलों पर। एंड जो थोड़ा लाइट शेड होगा उसनों आप हाईलाइटिंग वरत लवेंगे, एंड जो शेड अपनी स्किन टोन मैच करके उसको आप फाउंडेशन लिए वरत लवेंगे। सो पूरे फेस का मेकअप आप एक पैलेट में ही कर सकते हैं। सो जिस तरह ये वाला शेड जैल अंडरटोन वाले लिए है, ये मैं फाउंडेशन लिए वरत सकती हाँ, मेरी मीडियम स्किन टोन है। सो दैन जिन्हें न्यूट्रल स्किन टोन है वो ए वाला शेड वरत सकते हैं। एंड दैन ए वाला शेड जैल अंडरटोन वाले लिए मीडियम लिए है, पर यह लाइट नहीं डार्क है। सो इसनों मैं अपने डार्क सर्कल नूं कंसील कर ले बस सकती हाँ फाउंडेशन तो पहला। सो एंड जो ए वाला शेड है थोड़ा लाइट है, दैन मैं फाउंडेशन अप्लाई करने तो बाद जो हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करांगी वो मैं ए अप्लाई कर सकती हाँ। सो मैं तुहानूं पूरे फेस से कंसीलर पैलेट अप्लाई करके भी दिखावांगी, जिस नाल तुहानूं इसकी कवरेज भी पता लग जाएगी। सो वीडियो लास्ट तक देखना ते शेड दिखा देना टेक्सचर दा किस तरह क्रीमी है, देख सकते हो फिंगर ते ईजली इस तरह आ गया है। एंड दैन देख सकते हो एंड ब्लेंड करने विच भी ईजली है, एंड देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई भी नहीं होया है शेड, एंड बिल्कुल इसने अपनी स्किन ऑयली भी नहीं बनाया है। सो टेक्सचर काफ़ी बढ़िया है इसका। सो सारी शेड हैं क्रीमी हैं। सो पूरे फेस आप मेकअप इस पैलेट में ही कर सकते हाँ। सो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते सो आप अपनी मेकअप किट में किस पैलेट को रख लवेंगे साइड दिन जो कि अफोर्डेबल भी है, तो अपन ज़्यादा प्रोडक्ट भी इकट्ठे करने की लड़ नहीं है, एंड अपने ट्रैवल फ्रेंडली है, दैन आप इस अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, कितने जा रहे हैं तो पूरे फेस का मेकअप आप इस नाल ही कर लवेंगे। इस बार इस पाउडर सैट कर लवेंगे तो जो फुल फेस मेकअप है अपना इस नाल ही पैलेट नाल ही पैलेट नाल ही हो जाएगा। तो हुण दैन मैं तुहानू अपने पूरे फेस से इस कंसीलर पैलेट को किस तरह अप्लाई करना है हुण अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो मेकअप स्टार्ट करने तो पहला सब तो पहला करांगे स्किन केयर, स्किन केयर मैं कर ली है। एंड दैन उस तो बाद स्टार्ट करांगे मेकअप। सो मेकअप दे विच प्राइमर तो बाद जो फास्ट है आप अपने फेस से की देखते हाँ कि जो भी अपने फेस से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डार्क सर्कल है, जो अपने कोई जो अपने फेस का पार्ट है थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो उसनों आप पहला करैक्ट करना है, करैक्टर अप्लाई करना है। सो इस लिए आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हाँ एंड करैक्टर भी। सो सब तो पहला मैं एक साइड पर कंसीलर अप्लाई करांगी एंड एक साइड पर करैक्टर, अपने जो भी फेस से कोई प्रॉब्लम है, हल्के डार्क सर्कल हैं, कोई फेस का पार्ट डार्क है, जो कोई पिंपल है। सो इस तरह आप अपने फेस में पहला करांगे करैक्ट। सो वो मैं इस पैलेट में करांगी, सब तो पहला मैं ये शेड अप्लाई करांगी। सो इस फिंगर ना भी मैं अप्लाई कर सकती हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर नाल भी एंड ब्रश ना भी फ्लैट नाल। सो और जो करैक्टर अप्लाई करने मैं फ्लैट ब्रश लै रही हाँ, तो इस दे नाल मैं इस करैक्टर अप्लाई कर लवेंगी जिथे मेरे थोड़े डार्क सर्कल हैं, एक साइड पर ही अप्लाई करांगे। सो प्रेस करके इस तरह अप्लाई कर लेना है, कितने भी जितने अपन अपने डार्क फेस का पार्ट थोड़ा डार्क लगता है, कितने अपने पिंपल हैं, इस तरह अप्लाई कर लवेंगे। इस तरह नाल नाल आप थोड़ा इसको ब्लेंड भी करते जावेंगे इस तरह प्रेस करके। सो जो ये ऑरेंज करैक्टर है ना ही ज़्यादा ऑरेंज है, इसका शेड ठीक है, सो मीडियम स्किन पर चल जाएगा। सो अगर थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज होगा तो उसके आप थोड़ा येलो करैक्टर भी मिक्स कर सकते हैं। सो मैं
इस नाल तां अप्लाई कर लिया है ब्रश नाल, दैन ब्यूटी ब्लेंडर नाल इसनूं आपां बस जिथे जिथे अप्लाई किया है उत्थे हल्का हल्का प्रेस करना है। दैन हाफ फेस से अप्लाई करांगे। सो इस तरह चंगी तरह आपां ब्लेंड कर लेना है बस हल्का हल्का। सो देख सकते हैं सब तो पहला तो ये ब्लेंड करने में बहुत ईजी है, ईजीली ही ब्लेंड हो गया है। सो क्रीमी इसका टैक्सचर फुल, जो ये इनसाइड की कंसीलर पैल्ट है इसका टैक्सचर क्रीमी है। सो इस तरह नहीं है भी ज़्यादा फैल रहा है, जिथे आप अप्लाई किया है उत्थे ही है, बस प्रेस करके हल्का हल्का प्रेस करनी है, ब्लेंड हो रहा है। सो देख सकते हैं कि अपने फेस से ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं लग रहा कि आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे उस तरह कि अपना फेस ऑरेंज ऑरेंज होगा। सो इसका शेड ज़्यादा डार्क भी नहीं है, देख सकते हैं। दैन अगर आप करैक्टर नहीं अप्लाई करना चाहते, कंसीलर अप्लाई करना चाहते हाँ अपने फेस जो भी डार्क सर्कल हैं या डार्क पार्ट है उसनों हाइड करने के लिए, दैन आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कंसीलर जो अपना फाउंडेशन या कंसीलर का शेड होंगे नॉर्मल, उस तो टू शेड डार्क अप्लाई करा। सो इस जो कंसीलर शेड हैं पर यह मेरी स्किन तो थोड़ा डार्क लग रहा है, सो इस मैं अपने फेस से फाउंडेशन वजो अप्लाई नहीं करा। सो इस मैं अपने फेस से अपने फेस को करैक्ट करने के लिए कंसीलर वजो अप्लाई करा। सो जो ये जैलो अंडरटोन का शेड है इसनों मैं कंसीलर वजो अप्लाई करा, जिथे जिथे और जो करैक्टर अप्लाई किया है दूसरी साइड में ये वाला जो डार्क कंसीलर शेड है इस पैलेट में उसनों अप्लाई कर लवेंगे। इस तरह ही प्रेस कर करके अप्लाई करना है। सो अगर आप करैक्टर नहीं भी अप्लाई करना चाहते, सो आप इस पैलेट में ये वाला कंसीलर जो डार्क है अपनी स्किन तो अप्लाई कर लवेंगे। सो दोनों ही ऑप्शन हैं अपने को इस पैलेट में अप्लाई करने के लिए। इस तरह प्रेस भी करते जावे जिस तरह थोड़ा ब्लेंड हो जाएगा। एंड अप्लाई करने से पता लग रहा है कि ये जो शेड है ये मेरे फेस से डार्क है। सो इस तरह ही ब्लेंड कर लवेंगे ब्यूटी ब्लेंडर ने हल्का हल्का। सो ये शेड भी ब्लेंड करने काफ़ी ईजी है एंड क्रीमी है इसका टैक्सचर भी। एंड तुसीं देख सकते हो एक साइड पर मैं कंसीलर अप्लाई किया है, इस साइड पर करैक्टर। सो कंसीलर थोड़ा घट दिख रहा है मेरे फेस से क्योंकि कंसीलर है और जो करैक्टर है थोड़ा थोड़ा डार्क होंदा है, सो ये ज़्यादा दिख रहा है। सो दोनों ही जो फाउंडेशन अप्लाई कर दो ये भी सैट हो जाएगा। सो दोनों ही आप कर सकते हैं अपने फेस से अपने फेस को करैक्ट करने के लिए इस पैलेट में। सो दोनों ही ऑप्शन हैं इस पैलेट में, मैं ये काफ़ी वधिया लग्या है ट्रिक इन्हों का कि इस पैलेट में आपको अलग अलग अपना ऑरेंज करैक्टर भी नहीं लेना पवेगा अपना मेकअप करने के लिए, ना ही अलग तो डार्क शेड कंसीलर का आपको लेना पवेगा अपनी किट में। सो काफ़ी वधिया है यानी दोनों ही शेड इस पैलेट के अपना मेकअप करने के लिए। जो नैक्सट स्टैप है उस तो बाद अपने फेस से फाउंडेशन अप्लाई करना है। सो फाउंडेशन लिए भी अपन अलग तो फाउंडेशन अपनी किट में रखने की जरूरत नहीं, सो इसे शेड में आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर अपनी स्किन जैल अंडरटोन है तो मीडियम जो ये पैलेट है इनसाइड की ये मीडियम है तो ये आप वाला शेड अप्लाई कर लवेंगे। सो डायरैक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से लैके ही मैं इस तरह अप्लाई कर लवेंगे। दैन मैं हाफ फेस से अप्लाई करा जिस ना अपन अपने फेस से इस शेड की कवरेज पता लग जाएगी। सो अप्लाई करने बाद ब्यूटी ब्लेंडर के नाल ही बस ब्लेंड कर लवेंगे। देख सकते हैं कि बहुत ईजी तरीके अप्लाई हो गया है एंड अप्लाई करने के नाल ही हल्का जहा दुबारा प्रेस करने ब्लेंड भी हो गया है शेड। एंड देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरी स्किन टोन के नाल ही मैच कर रहा है। सो इस साइड में सिर्फ कंसीलर अप्लाई किया है थोड़े फेस के पार्ट से एंड साइड तो फुल फेस से मैं इस कंसीलर शेड में जो मेरी स्किन मैच करता से फाउंडेशन वजो अप्लाई किया है। सो देख सकते हाँ कि बिल्कुल मेरी स्किन के नाल ही मैचिंग हो रही है, इस तरह नहीं कि इस शेड ने मेरे फेस में ज़्यादा डार्क बना दिता है ज़्यादा फेयर कर दिता है, तुसीं देख सकते हो इस। सो ये शेड मेरी स्किन के लिए परफेक्ट गया है फाउंडेशन वजो अप्लाई करने के लिए। सो आई के पार्ट से भी अप्लाई करेंगे जिस नाल आपको पता लग जाएगा कि जो अपना आई का डार्क पार्ट होंदा है उसनों ये शेड कवर कर पाता है कि नहीं। ब्लेंड करने बाद कवर देख सकते हो कि एक तो शेड बिल्कुल मेरी स्किन के ना मैच कर रहा है ये वाला जैल अंडरटोन का। देख सकते हो कि मैं हाफ फेस से अप्लाई किया है एंड कवर तुम देख सकते हो कितनी वधिया कवरेज आई है इस शेड की एंड टैक्सचर भी बहुत क्रीमी है। सो फाउंडेशन वजो आप इस शेड में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो कंसीलर शेड ही पर इस अपने फाउंडेशन वजो भी अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हो काफ़ी वधिया कवरेज दी है इसने। दोनों साइडों में फर्क कि आई का पार्ट भी इस कंसीलर शेड ने कवर किया है। सो कवरेज इसकी काफ़ी वधिया है। सो
दैन सैकंड स्टैप भी आप इस कंसीलर पैलेट में ही अपने फेस अप्लाई कर लिया एंड दैन हाफ फेस से भी मैं इस कंसीलर नू अप्लाई कर लवांगी। हाफ फेस से मैं थोड़ा फिंगर ना भी ब्लेंड करके दे दी हाँ। सो देख सकते हैं कि फिंगर नाल भी ईजीली ब्लेंड हो रहा है। सो ब्लेंडिंग लिए आप ब्लेंडर ना भी ब्लेंड कर सकते हैं, फिंगर नाल भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो ईजीली ब्लेंड हो रहा है एंड दैन अपना फाउंडेशन तो हो गया। दैन उस तो बाद जो आप अपलाई करते हैं अपने फेस से मेकअप का स्टैप आता है हाईलाइटिंग का, हाईलाइटिंग कंसीलर। सो जो हाईलाइटिंग कंसीलर होता है वो अपने जो शेड है अपने फेस से कंसीलर का उस तो 1 या 2 शेड लाइट होता है। सो इस पैलेट में जो ये वाला शेड है मेरे स्किन तो थोड़ा लाइट है, सो इस मैं अपने फेस से हाईलाइटिंग लिए अप्लाई कराँगी। सो दैन मैं फ्लैट ब्रश के नाल ही इसको अप्लाई कर लवाँगी। सो इस शेड नू मैं अपने फेस से जो हाईलाइट पॉइंट होंगे हैं उत्थे अप्लाई करांगी। सो इस तरह प्रेस करके अप्लाई कर लवांगे एंड दैन अपने माउथ दे लिप्स दे अराउंड अपर लिप्स दे उपर ठोडी ते एंड नोज सेंटर विच एंड मत्थे सेंटर विच भी इस तरह ये वाला हाईलाइटर शेड अप्लाई कर लवांगे। सो दैन ब्यूटी ब्लेंडर ना पहला ब्लेंड कर लवेंगे। सो इस तरह बस प्रेस कर करके ही ब्लेंड कर लेना है। सो जो हाईलाइटिंग शेड्स से चंगी तरह ब्लेंड कर लिया तुम देख सकते हो कि इसका अपने फेस से फर्क किसने अपने फेस में हाईलाइट कर दिता है आई के नीचे एंड नोज से लिप्स अराउंड देख सकते हो मत्थे ते सेंटर जिते भी आप अप्लाई किया है अपना फेस हाईलाइट लग रहा है। सो जो ये पैलेट के शेड हैं अपनी स्किन पर बहुत बढ़िया जाएंगे। सो मीडियम जो पैलेट है मीडियम स्किन वाले लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सो सारे शेड आप अपने फुल फेस से अपने मेकअप में अप्लाई कर ले बढ़ सकते हाँ। सो मैं कंसीलिंग भी कर ली, करैक्टर भी अप्लाई कर लिया, फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया, हाईलाइटिंग शेड भी अप्लाई कर लिया, दैन रह गया कंटोरिंग शेड। सो कंटोरिंग तो आपको पता है कि एक शेड ही है, सो सारी स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो दैन इस भी आप फ्लैट ब्रश के नाल ही मैं अप्लाई कर लवाँगी। सो जो कंटोरिंग शेड है थोड़ा डार्क है देख सकते हैं, लाइट ब्राउन शेड नहीं डार्क है पर कंट्रोलिंग लिए परफेक्ट है ये वाला शेड। सो क्योंकि अपन कंट्रोलिंग लिए अलग तो भी अपने किट में प्रोडक्ट रखने की लोड़ नहीं, सो इस नाल आप अपने फेस में कंट्रोल कर लवेंगे। सो ये इसकी वधिया क्वालिटी है। सो जिथे अप्लाई किया है आप उस तरह ब्लेंड कर लेना है। सो देख सकते हैं कि हल्का जहा ब्यूटी ब्लेंडर प्रेस करने भी ये शेड कि छेती ब्लेंड हो रहा है देख सकते हो। मेरी स्किन पर शेड ज़्यादा डार्क भी नहीं लग रहा देख सकते हो, मेरे फेस से कंटोरिंग का जो भी शेड है देख सकते हो स्किन के अकॉर्डिंग ही गया है। पहला देखो जब अप्लाई किया तो ज़्यादा डार्क लग रहा है पर ब्लेंड करने तो बाद देख सकते हैं कि नैचुरली लग रहा है। सो ये शेड भी मैं काफ़ी पसंद आया है। सो इस साइड की कंटोरिंग भी चंगी तरह ब्लेंड कर लवेंगे। सो कंटोरिंग का शेड भी ब्लेंड हो गया है देख सकते हो कि फेस से डार्क नहीं लग रहा। सो मीडियम स्किन वाले लिए जो कंटोरिंग शेड है वो भी काफ़ी परफेक्ट है। सो बहुत ही ईजी तरीके ब्लेंड हुआ है तो कलर भी तुम देख लिया ज़्यादा डार्क नहीं है, नैचुरल लग रही है कंटोरिंग अपनी। सो फुल फेस मेकअप इस पैलेट में ही मैं कर लिया है। मैं सब तो पहला मैं इस अपने जो मेकअप है इसमें मैं सैट कर लेंदी हाँ क्योंकि सारे आप क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं दैन लूज पाउडर इसमें सैट करना जरूरी है। सो जरूरी है कि इसमें आप लूज पाउडर सैट करा सो ताही अपने फेस से ये चंगी तरह जो भी क्रीमी प्रोडक्ट हैं टिके रहेंगे। सो रिजल्ट तो इस पहल का दिख रहे हैं अपने फेस से, जो बाकी का मेकअप रह गया हाई मेकअप एंड ब्लशर वगैरह अप्लाई करना हाईलाइटर वो अप्लाई करके मैं थोड़ा फुल फेस मेकअप लुक भी दिखाई हाँ कि इस पैल के नाल जो अपना मेकअप है वो किस तरह लगेगा। सो दैन मैं फुल फेस मेकअप कर लिया है, आई मेकअप कर लिया है, ब्लशर हाईलाइटर भी अप्लाई कर लिया है। सो देख सकते हो कि मेकअप के लोग इस कंसीलर पैलेट के नाल मैं फुल फेस मेकअप किया है। सो कंसीलर करैक्टर फाउंडेशन एंड कंटोरिंग हाईलाइटिंग शेड सारी इस पैलेट में अप्लाई किए हैं तो अपने मेकअप के लुक तुम देख सकते हो। तो ये जो मीडियम शेड है इस पैलेट का ये मैं थोड़े सामने फस्ट टाइम अप्लाई किया है। सो मेरी स्किन के हिसाब से ये परफेक्ट हैं सारे शेड। सो अगर थोड़ी स्किन टोन
मीडियम है जैल अंडरटोन हो तो तुम भी इस तरह ही जिस तरह मैं शेड सारे अप्लाई किए हैं अप्लाई कर सकते हो। एंड एक ही पैलेट विचों अपने फुल फेस मेकअप को कंप्लीट कर सकते हो। एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, अगर तुम बिगनर हो तो भी ले सकते हो। एंड सो एच डी है कंसीलर पैलेट और किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए तुम इस मेकअप बहुत बढ़िया तरीके कर सकते हो। तुम खुद देख सकते हो कि बढ़िया मेकअप होया है। सो मैंने तो यह पैलेट इनसाइड की पैलेट काफ़ी बढ़िया लगी है, अफोर्डेबल भी है, टैक्सचर भी इसका क्रीमी है एंड ब्लेंड करने भी बहुत बढ़िया है। एंड सारी शेड मेरी स्किन टोन से काफ़ी बढ़िया गए हैं। सो अगर तुम भी इसको खरीदने चाहते हो तो खरीद सकते हो। आई थिंक यह वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी। सो वीडियो लाइक करो, चैनल सबसक्राइब करो। मिलते नैक्सट वीडियो, बाय बाय।